यार आजकल ना एक एक्सेसरी ऐसी है जो मतलब जिसके बिना ना तो हम जिम जा पाते हैं, ना ही तो हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना जॉगिंग पे जा पाते हैं, ना ही ट्रैवल कर पाते हैं, ईयरबड्स है ना। ये मतलब एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हर बंदे को चाहिए चाहिए, इट्स अ मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। तो रिसेंटली आई बीन ट्राइंग आउट दीज न्यू बड्स फ्रॉम फ्लेक्स नेस्ट। इन्होंने बड्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके डब्स इसका नाम रखा है और फ्लेक्स डब्स बोलते हैं इनको। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इनका रिव्यू देने वाला हूँ एंड दिस इज़ अ ऑनेस्ट रिव्यू आफ्टर यूजिंग देम फॉर ऑलमोस्ट 1 month एंड आई विल टेल यू अबाउट इस रेंज में इस तरह के प्रोडक्ट का क्या एक्चुअली यूज़ करने के बाद मेरा फीडबैक है। सो वॉच इट टिल दी एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिव्यू। सबसे पहले जब आप इसके पास डब्बा आपके पास आता है तो दिस इज़ व्हाट द बॉक्स लुक्स लाइक। तो आपके पास ये केस आएगा जिसके अंदर आपको एक चार्जिंग केस मिलेगा, इसके अंदर दो आपके ईयरबड्स होते हैं, साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा इसके अंदर जो कुछ इस तरह के ऑरेंज रैप में आएगा। साथ में आपको एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है। यू गेट अ फ्यू एक्स्ट्रा इसके बड के जो टिप्स हैं, आपको ये दो पेयर इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट कम्स विद द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये एक्चुअली इस प्लास्टिक मैट फिनिश केस में मिलेगा आपको एंड देखने में काफ़ी कूल और ट्रेंडी सा केस है इसका, मतलब फिनिश फील में भी काफ़ी सही लगा मेरे को। यहाँ पे ऊपर फ्लेक्सनेस का इन्होंने लोगो डाला हुआ है अपना और जो आपके पॉड्स इसके अंदर एक्चुअल पॉड्स हैं ये भी बहुत लाइट वेट हैं यार, मतलब काफ़ी लाइट वेट हैं, कूल हैं, पहनने में भी बहुत लाइट लगे मेरे को इनफैक्ट। सो आई थिंक बिल्ड क्वालिटी वाइज आई वुड डेफिनेटली से कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है बिकॉज दे ऑल्सो क्लेम दैट दे आर मेड इन जर्मनी, सो दे यूजिंग द जर्मन टेक इन टू दिस। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कम्फर्ट की। तो केस से बाहर निकालने के बाद वेन यू स्टार्ट वेयरिंग दैम इन योर ईयर्स, तो मैं जैसे अभी ये पहन रहा हूँ यहाँ पे, तो यार मेरे को तो बहुत ही ईजी टू वेयर। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को अपनी अंदर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सो आई थिंक द एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दे क्लेम वर्क्स रियली वेल। बाहर का साउंड काफ़ी कट ऑफ हो जाता है इसे यहीं पर। इफ़ यू सी मतलब मैं इसको शेक वेक करता हूँ जिम में भी, मैं जब पहनता हूँ यू नो व्हाइल आई एम वर्किंग आउट और आई एम ऑन द कार्डियो मशीन्स, तो मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिर रहा है या फिर यू नो इट्स कमिंग आउट ऑफ माई ईयर्स। तो कम्फर्ट वाइज वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल टू वेयर एंड इवन स्टेबिलिटी वाइज अगर आप देखोगे तो मुझे काफ़ी स्टेबल लगती है कि वंस देयर इन योर ईयर्स देयर देयर, मतलब गिरने का डर नहीं है इसमें। तो अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्लैरिटी और म्यूजिक या पॉडकास्ट अगर आप कोई सुन रहे हो तो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो यार मैं तो यूजली मतलब इन द जिम आई डोंट लिसन टू म्यूजिक, आई प्रिफर टू लिसनिंग टू पॉडकास्ट, तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छी इसकी ऑडियो क्वालिटी यू नो इट्स क्वाइट डिसेंट एंड नॉइज़ कैंसिलेशन है, तो बाहर की आवाज़ें भी नहीं आती हैं ज़्यादा। जो जिम में भी लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा होता है उसकी भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कट जाती है इससे, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ऑडियो क्वालिटी। और यार इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये क्वालिटी आई थिंक इट्स यू नो अ विन विन फॉर बोथ द ब्रांड एंड द कस्टमर। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है। वंस यू कनेक्ट यू गुड टू गो, यू कैन पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड यू सॉर्टेड। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ओपन द केस ब्लूटूथ आराम से कनेक्ट हो जाता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जिम में अगर मेरा फोन कहीं पर रखा हुआ है एंड आई एम विद इन लाइक 10 to 15 meters फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो मुझे आराम से मतलब कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आता। अब बात करते हैं यार इनकी मेन फीचर की जो कि ये क्लेम करते हैं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी करके दिखाया था जिम के अंदर, तो वो कुछ ऐसा दिखता था। दिस इज माई ऑडियो फ्रॉम दीज फ्लेक्स डब्स, सो टेल मी हाउ यू गाइस कैन लिसन टू द बैकग्राउंड नॉइज, दिस म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, दिस इज द नॉइज दैट यू कैन हियर, द वॉइस दैट यू कैन हियर फ्रॉम बैकग्राउंड, दिस इज द माइक ऑफ फ्लेक्स डब्स, सो यू कैन जज वॉइस क्वालिटी माइक क्वालिटी। नेक्स्ट आती है बैटरी लाइफ। सो द कंपनी क्लेम्स 35 hours ऑफ बैटरी लाइफ, 5 घंटे की आपको एक फुल चार्ज पे पॉड्स के अंदर मिल जाएगी और बाकी 30 घंटे आपको इसके अंदर चार्ज करने के लिए मिल जाते हैं। सो आई बिन टेस्टिंग इट एंड ऑनेस्टली मतलब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज देम मोस्टली ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशंस, 2 या 2.5 घंटे मैं जिम में यूज़ कर लेता हूँ इनको ऑन अ डेली बेसिस, तो मेरे को हफ्ते में एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है इसके केस को, सो विच आई थिंक डज डिलीवर क्लोज टू वट दीज गैज ए प्रॉमिसिंग। तो आपको 30-32 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाती है इसके अंदर। और जब आप चार्ज करने लगते हो शुरू में व्हेन यू ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रेकमेंड कि इसको एज अ कंपनी मेंशंस 2 से 3 घंटे के लिए इसको चार्ज करो ताकि ये फुल चार्ज हो जाए, और उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो 40-45 minutes इज एन आइडियल टाइम जिसमें आपको इसके अंदर भाई पूरी चार्ज हो जाएगी। आपको इसमें एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है इसका पीछे टाइप सी का, और ये मतलब आजकल ज़्यादातर फोन्स में टाइप सी आता है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट
कन्वीनियंट। इसके साथ में आपको मिलती है एक साल की वारंटी दैट यू कैन एक्सटेंड अप टू 1.5 इयर्स, सो दैट्स प्रीटी गुड फ्रॉम द कंपनी। यू हैव टू स्कैन द कोड एंड रजिस्टर योर डिवाइस फॉर क्लेमिंग योर वारंटी। साथ ही आपको मिलेगा IP5 वाटर रेजिस्टेंट टेक, तो आपको स्वेट जब आता है तो उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके साथ में आपको सीरी और गूगल AI वॉइस एनेबल्ड सिस्टम भी मिलता है, सो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी इजी कि आप फोन पे बात कर रहे हो या आपने सीरी को कोई कमांड दी, हे कॉल दिस पर्सन और प्ले दिस म्यूजिक, तो वो भी वहां से आप इजीली कंट्रोल कर पाते हो। तो अब चलते हैं यार इसके प्राइस की तरफ। इसका MRP है कुछ 2999 का, इसका MRP है 3000 रुपए। मेरे को अमेजोन से अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे मिल जाता है कुछ 1898 का, मतलब 1900 रुपए का मिल जाता है। ब्रो आई थिंक इट्स अ स्टील डील फॉर दिस प्राइस, सो आई थिंक प्राइस वाइज they've done a damn good job at pricing it right. 3000 रुपये में तो स्टील डील है यार। तो ये मेरे को बहुत मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल बाय। डू चेक आउट माई अदर वीडियोज इफ यू हैवंट ऑलरेडी ऑन फ्लेक्सनेस रिव्यूज। एंड बिसाइड्स दिस आई रिसेंटली मेड अ न्यू वीडियो अबाउट माई 10,000 स्टेप्स दैट आई बीन डूइंग एवरी डे दैट हेल्प मी रिड्यूस फैट, सो डू चेक इट आउट। अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट अगर आपने अभी तक ट्राई किया है, फ्लेक्सनेस के कोई और प्रोडक्ट्स आपने ट्राई। So that's it for this video, friends. I hope you liked this review and this will give you an honest feedback about buying this product or not and helping you in making your decision. Thanks a lot for tuning in. This is me, Rahul Badisra, signing out. Or please do share this review with any of your friends who are looking to buy this product. Don't forget to hit that like button, yaar. And please do subscribe if you haven't already. It helps me grow and we've reached our communities almost now 25,000 people. So thank you so much for all the love and support. And I hope to hit the 100,000 milestones by end of 2024. So chalte hain. And until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.